नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण तेजी से पसार रहा पाव, इसके बावजूद शहर की थोक मंडियों से लेकर छोटी बड़ी सभी दुकानों पर हो रही भीड़। रोहनिया स्थित दरेखू ऑक्सीजन प्लांट दूसरे दिन ही हुआ खराब। बरेका में कार्यरत प्रणव झा कोरोना काल में मानवता और सेवा भाव की कर रहे मिसाल कायम। और रामनगर के गंगा तट पर लगा गंदगी का अंबार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पांव पसार रहा है, इसके बावजूद शहर की थोक मंडियों से लेकर छोटे बड़े सभी दुकानों पर लोगों की भीड़ हो रही है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के चलते लगातार बंदी बढ़ती जा रही है। आज नई गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें दुकानों के 1 बजे तक के खुलने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद जहां लोगों को सामान लेने में सहूलियत हुई, तो वहीं दूसरी ओर विशेषरगंज सहित अन्य होलसेल मार्केट में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। यही नजारा सप्तसागर दवा मंडी, नई सड़क, दाल मंडी इत्यादि क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जहां लोगों की बेतहाशा भीड़ रही और इन क्षेत्रों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। जहां लगातार कोविड की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं ऐसी लापरवाही महामारी को आमंत्रण दे रही है। वहीं कुछ व्यापारी भीड़ का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसे ही लोग नहीं मानेंगे तो प्रशासन को पूरा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। व्यापारियों ने बताया कि हम लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं, भीड़ तो हो रही है, ऐसे में प्रशासन के लोग ही इसे संभाल सकते हैं। व्यापारियों को समझदारी से प्रशासन के अनुरूप कार्य करना चाहिए, ताकि व्यापार भी चलता रहे, प्रशासन का सहयोग भी होता रहे। अगर दुकानें पूरी तरह से बंद होती हैं, तो त्योहार है, लोग परेशान तो होंगे ही, गरीब व्यापारी भी भूखे मर जाएंगे। वहीं पुलिस बराबर चक्रमण कर लोगों को आग्रह कर रही है कि भीड़ न लगाएं, नियमों का पालन करें और समय से दुकानें खोलें और बंद करें। राजकुमार जी क्या करते हैं? मेरा विशेषगंज में व्यापार है गल्ले का। तो राजकुमार जी कितना राहत है आज दुकान आप खोले 1 बजे तक? 1 बजे दुकान खोलने से ज़्यादा राहत तो नहीं मिली, क्योंकि सभी बड़े मतलब कि व्यापारी आसपास के एक साथ यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम और बहुत ज़्यादा तेज़ी में जो है लोगों की भीड़ लग जा रही है, और उस तरह की क्षमता जो है यहाँ विशेषगंज मार्केट में नहीं हो पा रही है। अगर देर तक दुकानें खुलती तो फिर काफ़ी देर तक समय मिलता और सभी व्यापारी राहत के साथ लेकर व्यापार और अच्छे से करते हैं। तो क्या भीड़ से डर नहीं लग रहा है क्या? भीड़ से तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मार्केटिंग सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जो है कोरोना से डर तो लगता है। तो क्या मांग करते हैं, इसको बढ़ाया जाए या घटाया जाए? समय को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और समय से दुकान खुले और बंद हुए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग हो। कुछ व्यापारी मांग कर रहे हैं कि बंद कर दिया जाए, लॉकडाउन पूरी तरीके से लगा दिया जाए। बंद कर दिया जाए, गरीबों की क्या व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करके बंद किया जाए। गरीब इंसान, हर इंसान जो है, हर तरह का इंसान होता है मार्केट में, रोज कुआं खोदना और पानी पीना होता है, तो उन लोगों को ध्यान देख कर तब बंद किया जाए। तो सरकार जो कर रही है उसके हिसाब से आप चल रहे हैं? बिल्कुल, हम सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से ही कार्य कर रहे हैं। भीड़ ज़्यादा हो रही है मंडी में? बहुत ज़्यादा भीड़ मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या करते हैं? व्यापारी हैं। किस चीज़ के व्यापारी हैं? गल्ला किराना घी तेल का। तो चंद्रशेखर जी, बड़ा भीड़ है मार्केट में, क्या कहना चाहते हैं? भीड़ तो है, लेकिन कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हमारा सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और हम ये चाहते हैं कि जो लॉकडाउन लगा है इसको संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, ताकि इस चैन टूटे, जो कोरोना का जो चैन बढ़ रहा है, मैं चाहता हूं कि संपूर्ण लॉकडाउन 15 दिन के लिए लगा दिया जाए, ताकि बनारसवासी सुरक्षित रहें। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है मार्केट में, तो क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? जिनको ज़रूरत है वही आ रहे हैं, जिनको ज़रूरत है वही आ रहे हैं, डर का माहौल बनारस के नागरिकों में बना हुआ है। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन कर रहे हैं? हमारे यहाँ हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन हमारा ये इच्छा है सरकार से, मोदी जी का क्षेत्र है, मैं ये चाहता हूँ कि ये संपूर्ण लॉकडाउन
15 दिन के लिए लगा दिया जाए। क्यों, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत इस बात की है कि ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारी परिवार सुरक्षित रहे। जब हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तब हम व्यापार करेंगे। सरकार खोलने का आदेश देगा तो दुकान खोलना ही है। सरकार 2-3 घंटे का जो सहूलियत दे रही है इससे हमें बहुत खुशी है, ताकि व्यापार जिसकी ज़रूरत होगा वो सामान लेगा, क्योंकि लगन का माहौल चल रहा है, आगे रमजान है। तब क्यों मैं कह रहे हैं कि बंद करने? इसलिए कह रहे हैं कि चैन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बनारस के अंदर, साथ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बहुत लोग पीड़ित हैं। लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, सब जगह माहौल ख़राब है। हमें चाहते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन अगर लग जाता है तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। रोहनिया से बरेखो ऑक्सीजन प्लांट दूसरे दिन ही खराब हो गया। कोरोना काल में लगातार बढ़ती ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने रोहनिया स्थित दरेखो प्लांट को अधिकृत कर इसे बुधवार से शुरू कराया था, जो दूसरे दिन गुरुवार को ही खराब हो गया। वहीं पहड़िया स्थित मानसिक अस्पताल की एम्बुलेंस ऑक्सीजन लेने पहुंची। अब देखना ये है कि कब तक ये प्लांट बनता है और दोबारा शुरू होता है। बरेखा में कार्यरत प्रणव झा कोरोना काल में मानवता और सेवा भाव की मिसाल कायम कर रहे हैं। डिरेका में कार्यरत प्रणव झा कोरोना काल में सुनसान राहों पर पीपीई किट पहनकर उन घरों दरवाजों को सैनिटाइज करते हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव मरीज रहते हैं, ताकि उस घर के अन्य लोग सुरक्षित रहें। साथ ही वो रात में भी सैनिटाइजेशन का काम करते हैं ताकि संक्रमण का खतरा कम हो और लोग अपना काम कर सकें। उनके साथ उनके भाई भी उनका हाथ बटाते हैं। इस कोरोना काल में जब पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाने पर उनके खुद के परिजन उनकी लाश को श्मशान पहुंचाने में असमर्थता जताते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो प्रणव झा ऐसे शवों को भी श्मशान घाट पहुंचाते हैं ताकि उनका दाह संस्कार हो सके। और ये सारा काम वो किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि समाज में मानवता व सेवा भाव को जिंदा रखने के लिए करते हैं। और इन कामों में वो महीने का 25,000 से 30,000 रुपये भी खर्च कर देते हैं। पिछले साल कोरोना में हुए लॉकडाउन में इन्होंने जरूरतमंदों को खाना खिलाने का काम किया था। इन कार्यों में लोग उनकी आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं, तो वो ऐसे लोगों से नगद राशि न लेकर उनसे राशन व अन्य जरूरत के सामान का सहयोग लेते हैं, जिससे किसी और की मदद की जा सके। ये प्रेरणा हमें अपने पूर्वजों से मिली, हमारे दादा परदादा से मिली, हमने अपने घरों में भी देखा है। तो हम इसके लिए पहले भोजन संग्रहण करते थे, फिर हमने देखा ये महामारी आई है, तो हम इसके लिए क्यों न लोगों को सैनिटाइज करें, किसी ज़रूरतमंद को हॉस्पिटल पहुंचाएं, किसी के सब को पहुंचाएं। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ नहीं है। इसे हम पुण्य मानते हैं कि किसी के अंतिम यात्रा में आप शामिल हो सकें। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है, मानव सेवा भाव से। जैसे सैनिटाइज हम बरेखा के रेल आवासों में करते हैं, जहाँ भी लोग आवास में संक्रमित होते हैं तो हमें फ़ोन के द्वारा सूचना मिलती है तो हम सैनिटाइज करते हैं। और वैसे हम प्रतिदिन बरेखा के जितने भी रेलवे पिकेट हैं, आरपीएफ पिकेट हैं, मरवाड़ी थाना है, सुंदरपुर चौकी है, बरेखा चौकी है, सब में हम सैनिटाइज करते हैं। मानव सेवा भाव से हम पहुँचाते हैं लोगों को कि आप भी जाइए अपने आस पड़ोस, आप भी अपने पास लोगों को सुरक्षित रह सकते हैं। मेरा संदेश होगा आम जनमानस के लिए कि वर्तमान समय में अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखें, सबल रहें, लोगों को बल दें। ये ना कि आप किसी कोरोना मरीज को देख के मुँह मोड़ लें, उसकी मदद करें। उस वो भी मानव है, उसकी आवश्यकता है आपको। हम भी निकले हैं, कितने लोग हैं निकल रहे हैं, लेकिन जो निकल रहे हैं तो हम सटीक कार्य के लिए निकले हैं कि हमको संतुष्टि होती है कि हमने आज किसी की मदद कर दी, हमने आज 4 जगहों को सुरक्षित कर दिया। ये अपने आप में एक गर्व होता है मानवता के लिए। देखिए, हम पहले जब आते हैं तो हमारा पीछे से एक रास्ता है, हम घर के सीधे नहीं जाते हैं, और पीछे हमारा बाथरूम बना है, तो ये पीपी किट हमारा डिटॉल में चला जाता है। जो पीपी किट आता है, क्योंकि ये वॉशेबल है, तो इसको फिर ये डिटॉल में चला गया, फिर हम स्नान करते हैं पूरे शरीर को, तो हम मार्गो साबुन यूज़ करते हैं, उसी से स्नान करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तब घर के प्रवेश करते हैं। और बच्चों को भी कहते हैं घर में अपने सबों को कि हमसे थोड़ा दूरी बना कर रहिए। तो घर में मेरा अलग कमरा है जहाँ मैं सोता हूँ। तो इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, कोरोना काल में भी कर रहे हैं, तो क्या कभी आपको लगा कि आपको कोरोना जैसी बीमारी से सामना करना पड़ा हो, या कभी उसके कुछ सिम्टम्स आपके पास आए हो? नहीं, सिम्टम्स तो नहीं आए। जैसे पिछले लॉकडाउन में हमने खाना बांटा तो जिला प्रशासन के द्वारा आदेश आया कि जो जो निकल रहे हैं समाज सेवी है वो अपना कोरोना चेक कराएं। तो क्योंकि हमारे यहाँ 15 लोग थे, ये अनजान, उस समय कोरोना का चेक लोग बहुत डरते थे। मैं सीधा पहुंचा BHU, मैंने BHU में चेक करवाया, और भी संस्थाओं के लोग थे, तो बोला पॉजिटिव होंगे तो आपको मैसेज चला जाएगा। कुल मिलाकर मैं अभी तक 6 बार जांच करवा चुका हूं, अब भोलेनाथ की दया से 6 बार मैं निगेटिव निकला।
रामनगर के गंगा तट पर गंदगी का अंबार लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अस्सी घाट पर फावड़ा चलाकर पूरे देश को स्वच्छता के लिए जागरूकता का एक संदेश दिया था और इसे भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। साथ ही गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर में एक शौचालय बनवाने का अभियान भी चलाया गया था। आज उसी स्वच्छता मुहिम को ठेंगा दिखा रहा है रामनगर का ये गंगा तट, जहाँ लोग आते तो हैं बड़े ही श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करने और माली से माला फूल लेकर गंगा को समर्पित भी करते हैं, किंतु गंगा में चढ़ाया गया माला फूल लोग ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। उसे उठा करके कहीं अन्यंत्र शमन नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों का चढ़ाया हुआ माला फूल सड़ जाता है और गंगा जल को प्रदूषित करता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोहनिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा घाटमपुर का एक ऑडियो वायरल हुआ। रोहनिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा घाटमपुर में पिछले तीन बार से प्रधान रहे महेंद्र पटेल ने अपने और अपने पुत्र के माध्यम से लोगों को फोन पर गाली गलौज देकर अपने पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया है। इस संबंध में उनका ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें प्रधान पुत्र अपने को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हुए पार्टी के नाम पर लोगों के साथ गाली गलौज कर वोट के लिए दबाव बना रहा है। अच्छा ये बताओ, आज तक हम तो सर कभी संबंध बिगड़ले ही। हाँ तो क्यों चक्कर में चुनाव आए जाए, दूसरा चीज लड़ता है, तू नहीं लड़ता ना, उन लड़ता क्यों ना हम लड़ते ही, मैं तो हमने खराब करते हैं, तू अपन संबंध चला कर जान जाए। चल अच्छा ये बताओ मुलाकात कब हुई? जब तब जब तो लगी आ जाओ, जब लगे पहुंच जाए। चलो ठीक है, ये चुनाव बाद मुलाकात है, कल के हम थोड़ा सा जाए वाला सिस्टम है जेल में, और जेल में जेल साहब भैया तो हम अपने अपने देखा, हम तो उम्र बुढ़ा ही उम्र में बड़ा ही, हम छोटा ही, तू उम्र बड़ा हुआ हम छोटा ही, हम आए तुरंत तुझसे मुलाकात है, जेल साहब तुरंत मुलाकात करो। अरे जेल बीजेपी की सरकार है, क्योंकि हिम्मत नहीं है। अरे तो तुम आखिरकार में मैं किसी पर गौंड कर तुम्हारे का नाम आप वाला सब पता क्यों का अवकाश नहीं है, क्यों हमने के लगे पहुंच गए हैं। चला ठीक है, व्यक्ति भजन जाए, चला ठीक है, जब तक अपन सुधार हो क्योंकि हिम्मत नहीं, क्यों रेस से बोल रहे क्यों से आगे चढ़ जाए ऊपर चला देखिए एक बार सके उड़ दे संध्या की मुलाकात हुई। जब क्या बात जब मुलाकात हुई, मगर जब तक अपन सरकार है तब तक क्योंकि औकात नहीं की क्योंकि हैसियत नहीं है, सब कुछ चढ़ेगा तब साल साल से उड़ दे संबंध अपन रही। चलो शाम को मुलाकात हुई ठीक है, शाम को फोन करेंगे आपको। लोगों का कहना है कि जब लोगों ने उनकी एक न सुनी तो चुनाव बाद एक एक करके लोगों को मारने की साजिश की गई। इसी साजिश के तहत अपने रिश्तेदार के माध्यम से सफारी में सवार बदमाश जो अवैध हथियारों से लैस थे, उनके संग विरिंग चतुर्वेदी के घर पर धावा बोल दिया। उस समय परिवार में पड़े 13वीं के आयोजन में सभी लोग व्यस्त थे, लेकिन घर पर वीरेंद्र चतुर्वेदी और अतुल चतुर्वेदी को पीटा गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। जब इस बात की सूचना ग्रामीणों को लगी तो अन्य ग्रामीणों के पहुंचने पर बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने बदमाशों की सफारी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। देखिए 112 नंबर पर पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयराजपुर गांव में हिंसा हुई है और कल जो चुनाव में प्रधान पद का परिणाम घोषित हुआ है उसको लेकर के हिंसा हुई है, और पता चल रहा है कि फेसबुक पर कोई पोस्ट डाला गया था उसी को लेकर दोनों पक्षों में हिंसा हुई है और एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी मैम, और क्या कोई गिरफ्तारी अब तक या कोई हिरासत में? सुनने में आ रहा है कि पूर्व प्रधान जो महेंद्र पटेल हैं उनके किसी रिश्तेदार की गाड़ी थी और उसी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। अच्छा, क्या मामला है, ये थाने पर आए हैं? जी ये मामला सर विपक्ष पार्टी को देखते हुए लगता है चुनावी रंजिश का है। अभी जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें महेंद्र पटेल जो भूतपूर्व प्रधान थे हमारे, वो चुनाव हार चुके हैं, और चुनाव हार जाने से पहले, चुनाव से पहले और चुनाव हार जाने के बाद वो हमेशा हम लोग को धमकी देते थे कि अगर चुनाव हार जाएंगे तो आप लोग को मारेंगे।
कल इन्होंने और इनके भाई लोग मिल करके, सभी लोग मिल करके हमारे घर में घुस करके जानलेवा हमला किए। उसके बाद जानलेवा हमला करने के बाद तो हमारे घर के पड़ोस में पटदार में तिरही था, हमारे घर के सारे लोग तिरही में शामिल थे और ये घुस करके जानलेवा हमला किए। उसके बाद जब हम लोगों ने चीख चिल्लाना शुरू किए तो घर के लोग आए, उसके बाद इनके अपने मतलब सफारी से एक सफारी बदमाश बुलाए हुए थे जो कि अवैध असलहों के साथ असलाह लहराते हुए आए कि गोली मार देंगे, सबको जान से मार देंगे। इतना सब कुछ होने के बाद जब हम लोगों ने चिल्लाहट किया तो गांव के लोग जब एकत्रित हुए तो सफारी छोड़कर ये सब असलाह लहराते हुए भागे कि जान से मार देंगे। तो ऐसी ऐसी कारनामे इन्होंने किए हैं। महेंद्र पटेल जो कि भूतपूर्व प्रशासन पहुंची उसके बाद हमारे साथ में थी, प्रशासन ने मामले को अपने संज्ञान में लिया। अब हमें भी देखना है कि आगे कार्रवाई जो भी कल की गिरफ्तारी भी हुई है कि नहीं। अभी तक सिर्फ महेंद्र पटेल जो भी बदमाश आए थे सफारी कल की गिरफ्तार हुई है, अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है उस सफारी में। हमारी मांगे हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। जो बदमाश आए थे सफारी भर करके हमको उनकी गिरफ्तारी चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते, हमें शांति और न्याय चाहिए। हम की पूरा ग्राम सभा पीड़ित है भूतपूर्व प्रधान से, पूरे हमारे ग्राम सभा के लोग हमारे साथ हैं। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल के समक्ष प्याऊ लगाया गया। चिलचिलाती धूप में वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अमन ने सिंधी समाज के लोगों के साथ आम जनमानस को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लोगों में निशुल्क जल का वितरण किया। साथ ही सिंधी समाज के लोगों की सहायता से मंडलीय अस्पताल के सामने प्याऊ लगवाया गया, जहां आने वाले लोगों में बिस्किट का वितरण किया जाएगा ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत मिले। इस अवसर पर शंकर विश्नानी, विनय, कमलेश पांडे सहित कई लोग उपस्थित रहे। क्या याद, किस तरह का यहाँ पर शिविर लगाए आप लोग? देखिए, जिस तरीके से कोरोना की महामारी को लेके पूरे वाराणसी नहीं हिंदुस्तान में लोगों के अंदर आपाधापी का माहौल है, इसी क्रम में आज वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय पर अमन कबीर जी, सोनू बाबा, विजय यादव जी के सुझाव पर वाराणसी के समस्त सिंधी समाज ने इनके साथ की वजह से आज यहाँ पर यह जल सेवा और निःशुल्क जो है बिस्कुट की सेवा जो है आम मरीजों को और आम जनमानस को देने का काम किया है। और इस काम के लिए हम निश्चित रूप से शहर के शिव रूपी शिव दूत अमन जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महादेव विनय जी हैं, विजय यादव जी हैं, सोनू बाबा जी हैं, तमाम अस्पताल के जो भी सहयोगी साथी यहां पर आके इस काम में अपना सहयोग दे रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत पूरे सिंधी समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और यह भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक इस सेवा को ये लोग यहाँ चलाते रहेंगे तब तक हम इन लोग का पूरे सिंधी समाज के लोग सहयोग करते रहेंगे। तो अभी चौरा हॉस्पिटल में जो मरीज लेकर आ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है या कोविड है और रोड से भी राहगीर लोग जो जाते हैं प्यासे रहते हैं, उन लोगों के लिए सिंधी, हमने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था जिसको देख करके सिंधी समाज के शंकर विश्वानी जी आए हैं, उन्होंने कहा जब तक आप कहेंगे पानी और बिस्किट और जो भी सुविधाएँ हो पाएगी वो करेंगे। तो ऐसे सिंधी समाज को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि समाज के लिए हर आदमी आगे आएगा तो इस कोरोना काल जैसे बीमारी से हम लोग जीत हासिल करेंगे। और तमाम ऐसे बड़े भाई जैसे छोटे जिले के बड़े तक, विजय भैया, विनय महादेव भैया, राकेश चौबे भैया, मोनू बाबा, बड़कू, तमाम लोग इस मुहिम में मेरा साथ दे रहे हैं। और सबसे विशेष धन्यवाद शंकर विश्रानी भैया, जिनकी वजह से हर एक बार बार पूछते कि हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग किसी पार्टी किसी दल से नहीं, हम लोग समाज के लिए 24 घंटा लगे हुए हैं। सिंधी समाज का यह सहयोग मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वाराणसी के एक परिवार ने गरीबों को भोजन कराकर बेटी का जन्मदिन मनाया। अक्सर जन्मदिन पर परिजनों संग बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन की खुशियां मनाई जाती हैं, मगर कुछ अलग ही सोच रखने वाले वाराणसी के विजय शंकर गुप्ता ने अपने बेटे के जन्मदिन को बड़े ही नायाब तरीके से मनाया। संक्रमण काल में एक ओर जहां लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना खाने तक के पैसे न होने से लोग बेबस लाचार दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं ऐसे ही लोगों के बीच जाकर परिजनों ने कैंट रेलवे स्टेशन के पास सैकड़ों बेसहारा मजदूर व अन्य लोगों को रोटी बैंक के सदस्यों के साथ कर खाना खिलाकर व मिठाइयां बांटकर जन्मदिन मनाया। ये किस संस्था के द्वारा आप लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये बच्चे का हमारा जन्मदिन था जी। आपके बच्चे का जन्मदिन था, कितने लोगों को लगभग खाना आपने खिलाया? 200 लोगों का बचाया। आगे कब तक ये खाना खिलाने का प्रोग्राम क्या है, कि उद्देश्य क्या है? जन्मदिन उपलक्ष्य में बांटा गया। रामनगर के गंगा तट पर लोग बेखौफ होकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं।
एक तरफ जहां शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश कोरोना की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसके लिए सरकार हर रोज नई गाइडलाइन तैयार कर रही है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और लोगों को इससे सतर्क भी किया जा रहा है। वहीं रामनगर में बंदी कुछ लोगों को एंजॉय करने का मौसम लगता है। शायद इसलिए ये बंदी में भी गंगा के किनारे आकर जल क्रीड़ा और मस्ती करते नजर आते हैं। इसी में से कुछ लोग अपनी आजीविका चलाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इन लोगों को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक रामनगर के बलुआ घाट पर आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, बताएं आप यहाँ कितने बजे सुबह से लगाती हैं चंदन टीका? 5 बजे भोर से। और कितने बजे तक रहती हैं? हम 12-1 बजे तक रहते हैं। अच्छा, ये आपके जो अभी बंदी चल रही है, बंदी में यहाँ रोक नहीं है ना नहाने के लिए? नहीं, यहाँ तो कोई रोक नहीं है। गंगा जी में नहाने के लिए कोई रोक नहीं है? यहाँ पब्लिक आती है नहाने के लिए रोज सुबह? शाम को भी आती है? अब शाम को हम बता नहीं सकते, आने वाले तो आते ही रहते हैं। आने वाले आते रहते हैं। आप यहीं की रहने वाली हैं? हम इसी जगह के रहने वाले हैं। तो चलते चलते पहले एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण तेजी से पसार रहा पाव, इसके बावजूद शहर की थोक मंडियों से लेकर छोटी बड़ी सभी दुकानों पर हो रही भीड़। रोहनिया स्थित दरेखू ऑक्सीजन प्लांट दूसरे दिन ही हुआ खराब। बरेका में कार्यरत प्रणव झा कोरोना काल में मानवता और सेवा भाव की कर रहे मिसाल कायम। और रामनगर के गंगा तट पर लगा गंदगी का अंबार। थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।